नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी डांस करने का बहुत शौक है पर आपके हाथ और पैर एक साथ नहीं चल पाते, या फिर आप हाथों के स्टेप तो बहुत अच्छे करते हैं पर पैरों की बात जहां आती है वहां आप अपने पैर अच्छे से स्टेप्स के साथ नहीं चला पाते, तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 बेसिक फुट स्टेप्स जिसको सीख के आप खुद का डांस तैयार कर सकते हैं। अब आपको एक जगह खड़े होकर डांस नहीं करना। मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ फुट स्टेप्स पे, अगर वो आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाके जरूर उसे देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली स्टेप देखते हैं, आपको एक पैर आगे की तरफ रखना है और एक पैर पीछे की तरफ। इसके बाद आपको करनी है डिपिंग। किस तरीके से? पहले पीछे वाला पैर आपको हल्का सा उठाना है, उसे फिर नीचे रखना है और आगे वाला पैर ऊपर की तरफ, फिर आगे वाला पैर नीचे, पीछे वाला पैर ऊपर की तरफ। तो ये किस तरीके से रहेगा? 1, 2, 3, 4। ओके, मैं आपको साइड से दिखा देती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। आप इस पे हैंड स्टेप किस तरीके से कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। या फिर आप ये कर सकते हैं 1, 2, 3, 4। 1, 2, 3, 4। चलिए सेकंड स्टेप देखते हैं। मैं आपको राइट की तरफ से बता रही हूँ, मैं अपने राइट लेग को उठा के राइट की तरफ ले जाऊंगी इस तरीके से। अब मैं अपने लेफ्ट को उठा के राइट की तरफ लाऊंगी और दोनों पैरों को एक साथ रख दूंगी। सेम मैं रिपीट करूंगी, अपने लेफ्ट लेग को लेफ्ट साइड पे ले जाऊंगी और राइट को उठा के बराबर में रख दूंगी। तो चलिए एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप इन पे हाथों के स्टेप किस तरीके से कर सकते हैं? यहाँ थे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। या फिर आप ये कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो चलिए थर्ड स्टेप देख लीजिए कैसे खड़े हैं। अब हमें एक पैर को दूसरे पैर से क्रॉस करना है। किस तरीके से? 1। और क्रॉस इस तरीके से नहीं करना है, यहां है हमारा पैर, हमें इसे उठा के हल्का सा साइड में ले जाना है, ऐसे। पैर सीधा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा रखेंगे और टेढ़ा ही वापस लाएंगे। और ये स्टेप इसी तरीके से करेंगे, सीधा नहीं करेंगे पैर को, टेढ़ा ही रहने देंगे हल्का सा। और 1, 2 आगे आएंगे तो पंजा पूरा रखेंगे और जब पीछे ले जाएंगे तो पैर टो पे रहेगा, पूरा नहीं रखेंगे, टो पे रहेगा इस तरीके से। तो पूरी स्टेप किस तरीके से बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेम आप अगर दोनों साइड से ही करना चाहें तो आप दोनों साइड से इसे कर सकते हैं, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं आपसे इसलिए बोलती हूँ कि आप किसी भी पैसे से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि क्या होता है, मैंने आपको बोला राइट से करना है पर कोई लेफ्टी है उसका लेफ्ट पैर बहुत अच्छा चलता है या फिर वो हर काम पहले लेफ्ट से ही करता है, तो इसीलिए ना थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, फिर उन्हें लगता है अरे यार मुझे तो ये स्टेप आई ही नहीं राइट से, तो छोड़ो मैं नहीं करती। तो इसीलिए जिनका भी राइट लेग अच्छा चलता है या जिनका लेफ्ट लेग अच्छा चलता है आप वो पैसे से स्टार्ट कीजिए ताकि आप अच्छे से स्टेप्स को समझ पाए और कंफर्टेबल होके डांस को कर पाए और एंजॉय करें। तो चलिए इनके साथ हाथों के स्टेप भी देख लेते हैं। पैर हम नीचे ला रहे थे, इनके हाथों के स्टेप किस तरीके से कर सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट, या फिर आप ये कर सकते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। तो चलिए चौथी स्टेप देखते हैं। ये स्टेप सबसे ज्यादा इजी है, तो हमें ये किस तरीके से करनी है, सेम हमें वही प्रोसेसिंग अपनानी है, एक पैर आगे की तरफ और एक पैर पीछे की तरफ। पीछे वाला जो पैर है हमें उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं करना है, स्टेप हमें सिर्फ आगे वाले पैर से करना है। किस तरीके से, अपने आगे वाले पैर को हमें क्रॉस करके साइड में लाना है, ठीक है, जमीन पे नहीं रखना है, हवा में ही साइड में किक करना है। वन, सेम उसी तरीके से हमारी कमर भी चलेगी। किस तरीके से, जब हम पैर को बाहर की तरफ किक करेंगे तो जो हमारी अपोजिट वाली कमर है, जैसे मैंने लेफ्ट से स्टेप किया है तो मेरी जो राइट वाली कमर है उसे मैं बाहर की तरफ किक करूंगी। किस तरीके से, वन टू थ्री फोर। इतना आपको स्टेप समझ में आ गया, तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आप इन पे हाथों के स्टेप किस तरीके से कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो अब बारी है हमारी पांचवी स्टेप की, वो हमें किस तरीके से करनी है। सेकंड स्टेप में हमने अपने एक पैर को क्रॉस किया था दूसरे पैर से, इसमें हम अपने एक पैर को आगे की तरफ रखेंगे और पीछे की तरफ, ठीक है, वन टू थ्री फोर। प्रोसेसिंग वही रहेगी, आगे रखेंगे तो पूरा पैर, पीछे रखेंगे तो टोपे। मैं आपको एक बार साइड से करके बता देती हूं, वन टू थ्री फोर, ओके। तो एक बार काउंटिंग के साथ करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। आप इनके हाथों के स्टेप किस तरीके से कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, या फिर आप ये कर सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आप इन फुट स्टेप्स में राउंड भी ले सकते हैं, किस तरीके से, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। आप इन पे एक और स्टेप कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है। अगर आपने लहंगा पहना है, साड़ी पहनी है, तो आप इसे इस तरीके से होल्ड करके, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। आप राउंड भी ले सकते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसे ट्यूटोरियल्स लाती रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।